देश में कोरोना अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर हम कहें तो जमातियों का भी है, जो दिल्ली से देश के तमाम हिस्सों में पहुंचे। वैसे जमातियों की पहचान तो काफी हद तक पूरी हो गई है, लेकिन उन सब के पीछे जो असली चेहरा है वो अब तक लापता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की। उस पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। क्या आपने इस शख्स को देखा है? क्या इस शख्स की कोई जानकारी है? कोरोना के संक्रमण काल में आखिर कहां लापता हो गया सबसे बड़ा आरोपी? जिस मौलाना साद के पीछे पुलिस पड़ी है, जिसे ईडी की तलाश है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ढूंढ रही है, वो कहां छुपा है? मरकज का ये मुखिया भले ही सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एक ऑडियो फिर सामने आया है। ये सब्र के जरिए इन रुकावटों से गुजरा जाता है, सब्र के जरिए रुकावटों से गुजरा जाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की बहुत तलकीन की गई है, सब्र की बहुत तलकीन की गई कि आप सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र करें, क्योंकि आपको सताने वाली दो किस्में हैं, एक बाहर रहकर सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। जी हाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम को सताने वालों की किस्म एक थी, सिर्फ कुफ्फार। आपको सताने वालों की किस्में दो हैं, एक बाहर से सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। इस पर गौर किया जाएगा कि साथ रहकर सताने वालों के साथ आपका क्या मामला हुआ। बेशक ये मौलाना अब सब्र का पाठ पढ़ा रहा है, ये अब अपने गुनाह पर सादगी का मुलम्मा चढ़ाने में लगा हो, लेकिन जब दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में था तो जहर बो रहा था, हजारों लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था। इस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। हैरान करने वाली बात यह है कि भड़काऊ बयान देने वाला साद ने खुद को कोरोना नेगेटिव बताया, लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी वो एजेंसियों के सामने अब तक नहीं आया है। मौलाना साद जिस तरीके से क्वारंटाइन टाइम की मुद्दत पूरी होने के बाद भी आज भी मौलाना छुपा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। इनको निकलना चाहिए है, और उनको निकल के बाकायदा गवर्नमेंट को, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको फेस करना चाहिए है। क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने के बाद मौलाना साद का छुपा रहना, ये क्या दर्शाता है? क्या मौलाना साद हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? मौलाना साद के काले कारनामे की फहरिस्त लंबी है, जिसके गुनाह की किताबों के पन्नों को पलटने में जाँच एजेंसियाँ जुट गई है। आखिर किन देशों से मरकज के खातों में पैसे आए? हवाला के जरिए ये पैसा कैसे आ रहा था? बैंक अलर्ट के बाद भी ट्रांजैक्शन पर रोक क्यों नहीं लगी? मरकज के इस मुखिया के पीछे इनकम टैक्स विभाग ने भी रडार तान दिया है। शुरुआती जांच में इनकम टैक्स के मामले में साद को संदिग्ध पाया गया है, वहीं अवैध संपत्ति की जानकारी छुपाने में भी मौलाना साद संदिग्ध हैं। क्राइम ब्रांच पिछले 5 वर्षों के साद के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी ये भी देख रही है कि आखिर मरकज के सदस्यों को किसने पैसे मुहैया कराए। इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर जनवरी से मरकज में आने वाले हजारों जमात को रहने और खाने के लिए पैसे किसने मुहैया करवाए। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बात की जाँच कर रहा है कि कहीं मौलाना साद अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है मरकज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया है। इसके अलावा यह भी जांच कर रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पिछले कुछ समय में जो पैसा आया हुआ था उसमें से विदेश से काफ़ी पैसा हुआ था, उसकी जांच कर रहे हैं कि क्या ये पैसा सही तरीके से आया था या नहीं आया था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मौलाना साद के गुनाहों से पर्दा भी हट रहा है। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने तबलीगी जमात पर निशाना साधा है। तबलीगी जमात पर विदेशों से फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
उसे भारत सरकार ने स्वीकार करके ईडी को सौंप दी है। मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं। मौलाना साद के लिए अब बचना मुश्किल है, वो ज्यादा दिनों तक कानून के हाथ से बच नहीं सकता। बेहतर होगा कि तबलीगी जमात को भड़काने वाला मौलाना खुद ही सरेंडर कर दे। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से मुनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मौलाना साद अब तक गायब है, आखिर क्यों वो सामने नहीं आ रहा है? उसने हालात को गंभीर होने दिया और तब से अब तक वो सिर्फ अपना संदेश जारी करता है, सामने नहीं आता। आपको हम दिखाते हैं कि कैसे वो हालात कंट्रोल करने में मदद कर सकता था। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूं, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई होनी। तबलीगी जमात का धर्म और कर्म है अपने मजहब का प्रचार करना, लेकिन उसी जमात के मुखिया का बयान सुनिए, कैसे वो बेसिर पैर की बातें कर रहा है। हर हाल में इस बात पर गौर करो, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकबर क्या किया है, साहब इकराम का क्या मामूल है। तुम्हें एक वहम बैठ गया है दिल में बीमारी का, और बैठ गया नहीं, बिठाया गया है, बैठ गया नहीं बल्कि बिठाया गया है, बिठाया गया है। पूरा देश और हर धर्म के लोग एक साथ खड़े हैं, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और ये सभी लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन मौलाना के मरकज ने इसकी परवाह किए बिना तबलीगी का जलसा आयोजित कर लिया और इन्हीं सब के बीच हुई साद की भड़काऊ तकरीर। अमवाद कहाँ नहीं होती, और अमवाद कितने अमराज से, हमेशा ये बात याद रखना, मोमिन का ये ईमान है, मोमिन का ये ईमान है कि कोई कभी भी मौत सबब की वजह से नहीं आती। जब जमात का नेता ऐसा बोल रहा हो तो उसके लोगों से समझदारी की उम्मीद करना बेमानी है। सबसे शर्मनाक घटना तो जान बचाने वाले डॉक्टरों के साथ होने लगी। कई जगह कोरोना की जांच करने गई मेडिकल टीम पर हमले हुए। इंदौर से लेकर मुरादाबाद तक कई डॉक्टर जख्मी हो गए। कुछ लोग कोरोना की जाँच नहीं कराना चाहते थे, कई लोगों ने डॉक्टरों पर भरोसा करना तक छोड़ दिया। कुछ जगहों पर तो जमाती मस्जिदों में जा छिपे, उनमें से कई रिहायशी इलाकों में भी अपनी पहचान छिपाकर बैठे रहे। नतीजा ये हुआ कि वैसे लोगों में कोरोना की पहचान होते होते काफी वक्त बीत गया और हालात बिगड़ते चले गए। दिल्ली के मरकज से 23 मार्च को करीब 1500 जमाती तमाम राज्यों में चले गए थे, लेकिन तब तक मरकज की असलियत सामने नहीं आई थी। जब वहां से जमातियों को निकालने का काम शुरू हुआ तब आई असली तस्वीर। उस वक्त तक तबलीगी दावा कर रहा था कि मरकज में 1000 लोग फंसे हैं, लेकिन उनकी संख्या 2300 से ज्यादा हो गई। इनमें से बड़ी संख्या कोरोना पीड़ितों की थी। हालात गंभीर होने और जान पर बन आने के बाद फौरन मौलाना साद ने नई अपील जारी की। उसने कहा कि सभी लोग सरकार के फैसले का साथ दें, लॉकडाउन का पालन करें। वो खुद भी क्वारंटीन हो गया। बेशक एहतमाम करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है और सारे आलम में करना चाहिए। कानून की रियायत करना और डॉक्टर की हिदायत की रियायत करना, ये हमारा बुनियादी उसूल है, ये दावत तबलीग का बुनियादी उसूल है। सवाल है कि क्या ये कोरोना संकट भीषण होने से टाला जा सकता था? मौलाना का प्रभाव देखते हुए इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसने ईमानदारी नहीं दिखाई। नतीजा हुआ कि देश के कई शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। आज तक ब्यूरो। और देश के कई शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं, इसमें जमातियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। आपको अब हम दिखाते हैं कि वो कौन कौन से शहर हैं जो इस महामारी का सेंटर बन गए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन के इसी मरकज से कोरोना का बवंडर उठा और पूरे भारत में फैल गया।
शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां तबलीगी जमात ने वायरस न फैलाया हो। निजामुद्दीन के जमाती जहां जहां गए वहां अपने साथ कोरोना का वायरस भी ले गए। चौंकाने वाली बात ये कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों में 60% के करीब मरीज के ताल्लुकात तबलीगी जमात से हैं। वहीं इस बीच दिल्ली के संगम विहार में 4 नए मामले आए तो इसके तार भी मरकज से जुड़ गए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब तक जितने भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं उसमें ज्यादातर जो संख्या है वो तबलीगी जमात के लोगों की है। आज भी तबलीगी जमात के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव दिल्ली में पाए गए हैं। कोरोना के अड्डे दिल्ली की सीमा से सटे यूपी में भी बने हैं। यहाँ भी तबलीगी जमात के लोगों की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ गई। गोरखपुर में तो 79 लोगों की लिस्ट जारी की गई जो निजामुद्दीन के मरकज गए थे। योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद जमात ने जो चिंगारी लगाई है उसे बुझाना आसान नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के डीजीपी ने आदेश दिया कि 2 दिन तक अगले अभियान चलाया जाए जिसमें तमाम जो मस्जिद हैं और तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये जमाती लोग रुके हो सकते हैं या फिर जानबूझकर छुपे हो सकते हैं, उन लोगों की तलाश की जाए और उनको आखिरी मौका दिया जाए। तबलीगी के कारनामे राजस्थान के लिए सिरदर्द बन गया है। जयपुर का रामगंज तो इसका जीता जागता उदाहरण है। राजस्थान के 33 में से 25 जिलों में कोरोना फैल गया है। यहाँ कुल मरीजों में अब तक करीब 450 मरीजों के रिश्ते तबलीगी जमात से हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं तबलीगी जमात की वजह से कोरोना ने राजस्थान में किस कदर कहर बरपाया है। जैसलमेर और टोंक जैसे जिले जहां पर बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं, जोधपुर जैसे जिले, कोटा जैसे जिले, इन जिलों में तबलीगी जमात की वजह से भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं और कई इलाकों में इनकी वजह से स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमले भी हो रहे हैं। राजस्थान की तरह ही हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में तबलीगी जमात के लोग चीनी वायरस की बीमारी बांटने में पीछे नहीं रहे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में मरकज से लौटे तबलीगी जमातियों में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद अभी भी बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटों में हरियाणा के पंचकुला में ही 2 तबलीगी जमात से जुड़े हुए रोगी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर पंजाब और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में फिलहाल केवल 18 एक्टिव केस हैं और उन 18 में से 16 लोग सिर्फ जमात से जुड़े हुए हैं। पंजाब में 600 के करीब लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जिनमें से 16 लोग पॉजिटिव हैं और 125 लोगों के सैंपल अभी इंतजार में हैं। उत्तर से दक्षिण तक तबलीगी जमात के कारनामे के किस्से सुने जा सकते हैं। आंध्र के कड़प्पा में 13 तबलीगी जमात के लोग कोरोना से बीमार थे जो ठीक होकर घर लौट आए। वहीं हैदराबाद और तमिलनाडु में भी मरकज गए लोगों की वजह से कोरोना वायरस फैला। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कमजोर कड़ी है तबलीगी जमात। इसी जमात ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर किया है। इसी जमात की वजह से ही कोरोना का जिन निकला और नासूर बन गया, जगह जगह कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। लखनऊ से कुमार अभिषेक, शिवेंद्र, जयपुर से शरद कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।